एपिसोड 90, 100 आंसू रोई दो अखियां। पृथ्वीराज ने मुग्धा की ओर देखकर गहरी आवाज में कहा, तुम चाहती हो ना कि मिहिर जिंदा रहे? मुग्धा अपनी आंखों में लाल आंसू लिए हां में सिर हिलाती है। पृथ्वीराज अपने सिगार को जलाते हैं, एक गहरा कश भरते हैं और धुएं का छल्ला बनाते हुए बोलते हैं, मैं मिहिर और उसके मामा को कुछ नहीं होने दूंगा। मुग्धा हैरान होकर एक छोटी उम्मीद बांधे अपने पापा पृथ्वीराज को देखती है। तभी पृथ्वीराज सिगार की राख को एश्ट्रे में पटकते हुए बोलते हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है। मुग्धा को पृथ्वीराज की बातों से जो छोटी सी उम्मीद मिली थी वो मानो अगले ही पल मर गई। क्या शर्त है पापा? पृथ्वीराज ने मुग्धा की आंखों में घूरते हुए कहा, भूल जाओ मिहिर को। मुग्धा को ये सुनकर जैसे एक सदमा लग गया। वो बड़ी बड़ी भौचक्की आंखों से अपने पापा को एक टक देखने लगी। उसकी आंखों में से लाल आंसू गिरते ही जा रहे हैं। पृथ्वीराज ने आगे कहा, अगर तुमने अपने दिल में उसका नाम लिख लिया है तो उसे हमेशा हमेशा के लिए मिटा दो, क्योंकि आज के बाद तुम कभी मिहिर से नहीं मिलोगी। मुग्धा को अपने पापा के ये शब्द एक जहरीले तीर की तरह उसके सीने में आ चुभे। उसे ऐसा लगा जैसे उसके पापा ने उससे उसकी जिंदगी ही मांग ली हो, क्योंकि ये सच भी है, पिछले कुछ दिनों में मिहिर वाकई में मुग्धा की जिंदगी बन गया है। पृथ्वीराज ने सिगार का एक और कश भरते हुए कहा, अगर तुम्हें ये शर्त मंजूर है तो मैं वादा करता हूँ कि मिहिर की जान सही सलामत रहेगी। मैं मिहिर और उसके मामा को शिमला से कहीं दूर भेज दूंगा, उनको नया मकान, नया काम, सब कुछ दिला दूंगा। वहीं एक और खड़ी माया पृथ्वीराज की ये शर्त सुनकर मन ही मन मुस्कुराने लगी। मुग्धा को ऐसे हाल में देखकर माया को दिल ही दिल में बेहद सुकून मिल रहा है, क्योंकि वो कितने सालों से बाप बेटी को एक दूसरे से अलग करने की कोशिश कर रही थी और वो पल आखिर आज आ ही गया है। वो जानती है कि अब से बाप बेटी के बीच का रिश्ता हमेशा के लिए बदलने वाला है। तभी पृथ्वीराज ने मुग्धा से पूछा, क्या फैसला है तुम्हारा? जितना जल्दी तुम अपना फैसला सुनाओगी उतना ही अच्छा होगा मिहिर के लिए, क्योंकि इस वक्त असवांग कबीले के दो खतरनाक दरिंदे सीधा उसकी जान लेने के लिए हॉस्पिटल की तरफ ही बढ़ रहे हैं। ये सुनते ही मुग्धा के पैरों के नीचे से मानो जमीन खिसक गई। वो जल्दी से बोलती है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी, प्लीज उनको रोक दीजिए, मिहिर और उसके मामा जी को कुछ नहीं होना चाहिए, प्लीज पापा। पृथ्वीराज ने सिगार का कश भरते हुए कहा, अब उन दोनों की जिंदगी का फैसला तुम्हारे हाथ में है। मुग्धा पृथ्वीराज के पैरों पर गिरकर रोते गिड़गिड़ाते बोलती है, मैं कभी मिहिर से मिलने नहीं जाऊंगी, उसके लिए जो मेरे दिल में प्यार है उसका मैं गला घोट दूंगी, पर प्लीज पापा उन लोगों को रोक दीजिए प्लीज। पृथ्वीराज ने हल्की से मुस्कान लेकर मुग्धा की आंखों में घूरते हुए कहा, प्रॉमिस। मुग्धा ने रोते हुए बोला, प्रॉमिस। पृथ्वीराज ने एक फोन किया और फोन पर बोला, उन दोनों को वापस बुला लो और उस लड़के और उसके मामा को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इतना कहकर पृथ्वीराज वापस से खामोश हो गए। वहीं मुग्धा ने एक राहत की सांस ली और वहां से भागते हुए अपने कमरे में गई और उसने अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मुग्धा अपने बिस्तर पर गिर कर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आंखों से लाल आंसू बहने लगे। इन आंसुओं के मायने को पहचानना इस वक्त बेहद बेहद मुश्किल है कि ये मिहिर के प्यार में बिछड़ने के दर्द में बह रहे हैं या अपनों से उसे बार बार धोखा देने की वजह से बहते जा रहे हैं। मुग्धा कुछ भी तो नहीं कर सकती है, क्योंकि उसने जिंदगी और मौत में से जिंदगी को चुना है। मिहिर की जिंदगी को इतिहास भी गवाह है, क्योंकि सच्ची मोहब्बत कभी मुकम्मल नहीं होती। शायद बिछड़ जाना ही सच्ची मोहब्बत की निशानी होती है, भले वो राधा कृष्ण का प्रेम हो या लैला मजनू की मोहब्बत। जो मोहब्बत कभी मिलती नहीं, जमाने में उसे ही तो सच्चा इश्क कहते हैं। मुग्धा एक कमरे में घुसी जहाँ पर काले से भी ज्यादा गाढ़ा अंधेरा है। उसे अचानक से इस अंधेरे में एक रोशनी की झलक नजर आती है। मुग्धा देखती है उसके कमरे के रोशनदान से हल्की हल्की सी रोशनी आ रही है और गहरा अंधेरा धीरे धीरे ही सही घटता जा रहा है। अभी उस अंधेरे के बीच मौजूद रोशनी में मुग्धा की आंखें देखती हैं कि मिहिर बैठा हुआ है। मुग्धा को एक पल के लिए अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता कि मिहिर उसके ठीक सामने मौजूद है।
लेकिन इस वक्त मिहिर बिल्कुल चुपचाप है और उसकी आंखों में मायूसी झलक रही है। मुक्ता जल्दी से मिहिर की ओर बढ़ने लगती है, तभी अचानक से रोशनदान में रोशनी कम होने लगती है और वहीं मिहिर अंधेरे में उससे दूर होता चला जाता है। मुक्ता जितना आगे बढ़ती जाती है, अंधेरा भी उतना ही ज्यादा बढ़ता चला जाता है और अंधेरे के बीच उसका अपना मिहिर भी। अचानक से रोशनदान की रोशनी पूरी तरह से बुझ जाती है और वहां उस पूरे कमरे में काला घना अंधेरा छा जाता है। मुग्धा की नजरों के ठीक सामने से उसका अपना मिहिर नजर आना बंद हो जाता है। वो अंधेरे में अपना हाथ आगे बढ़ाकर मिहिर को ढूंढते हुए उसकी मौजूदगी को महसूस करती है और उसका नाम जोर जोर से चिल्लाने लगती है। मिहिर, मिहिर, कहाँ हो तुम? मिहिर, तुम्हें हमारे प्यार का वास्ता, मुझे यहाँ अकेला छोड़कर मत जाओ, प्लीज। तभी उस गहरे अंधेरे से एक साया बाहर निकलता है और अचानक से मुग्धा के ठीक सामने आकर खड़ा हो जाता है। उस साये को अपने सामने देखकर मुग्धा चौंक जाती है। ये साया उसके पापा पृथ्वीराज का है, जो उसकी ओर लाल आंखों से घूरते हुए कह रहे हैं, तुम और मिहिर कभी एक दूसरे के नहीं हो सकते, मेरे होते हुए कभी नहीं, क्योंकि मिहिर को मैं तुमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दूंगा। तभी अचानक से पृथ्वीराज के दो नुकीले दांत बाहर निकल आते हैं और पृथ्वीराज खींचते हुए मिहिर को उस रोशनी में लाते हैं और अगले ही पल वो मिहिर की गर्दन पर अपने वो नुकीले दांत गड़ा देते हैं। उस पल जैसे मिहिर की सांसें उसका साथ छोड़ने लगती हैं। मुग्धा डरते हुए जोर से चिल्लाती है, पापा नहीं। इतना कहते ही अगले ही पल मुग्धा की आंखें खुल जाती है और वो बिस्तर पर बैठ जाती है। उसे एहसास होता है कि वो महज एक बुरा सपना देख रही थी, लेकिन उसकी आंखों से लाल आंसू बहने लगते हैं। वो मिहिर के अक्स को देखने के लिए बिलखने लगती है। रोते रोते उसके लबों पर सिर्फ मिहिर का नाम है, उसकी असली जिंदगी में भी तो मिहिर उससे बेहद बेहद दूर होता जा रहा है। लेकिन रात अभी बाकी थी और शायद मिहिर की यादें भी। वही मिहिर इस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद है और वो कई बार मुग्धा को कॉल ट्राई करके देख चुका है, लेकिन मुग्धा उसका कोई कॉल नहीं उठा रही है। हर बार सामने से उसकी कॉल का एक ही जवाब आता रहा, द पर्सन यू हैव डायल्ड इज नॉट आंसरिंग योर कॉल, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। मुग्धा, कहाँ हो तुम? प्लीज मेरा कॉल पिक करो। मिहिर खुद से बड़बड़ाता जाता है, मुग्धा जब से हॉस्पिटल से गई है तब से उसने मेरी एक भी कॉल का जवाब नहीं दिया। मिहिर को उस वक्त मुग्धा की बहुत याद सता रही है, उसे मुग्धा को लेकर बेहद ही बेचैनी हो रही है और वहीं वो हॉस्पिटल के उस खामोश कॉरिडोर में लगातार चहलकदमी करता जा रहा है, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं है मुग्धा से मिलने का, क्योंकि वो अपने मामा जी को छोड़कर हॉस्पिटल से बाहर भी तो नहीं जा सकता। उस वक्त मिहिर आईसीयू के बाहर खड़ा होकर आईसीयू के कांच के दरवाजे से चुपचाप अपने मामा जी की तरफ देखता ही जा रहा है। अपने मामा जी को ऐसी हालत में देखकर उसकी आंखों में नमी नजर आने लगी है। वहीं देर रात मिहिर ने एक के बाद एक मुग्धा को मैसेज भी किए, मुग्धा मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो तुम? मेरा दिल जोरों से धड़क रहा है, तुम ठीक तो हो? प्लीज मुग्धा, मुझे कॉल करो या मेरे मैसेज का कोई रिप्लाई दो। लेकिन फोन कॉल की तरह ही मुग्धा ने मिहिर के मैसेजेस का भी कोई रिप्लाई नहीं दिया। मुग्धा के बारे में सोचते हुए मिहिर की आंखें ना चाहते हुए भी नम हो जाती हैं। मिहिर सारी रात मुग्धा की याद में बेचैनी से तड़पता रहा और जैसे तैसे हॉस्पिटल के कॉरिडोर में सारी रात अपनी आंखें नम लिए बेचैन रहा। वहीं दूसरी तरफ मुग्धा भी अपने कमरे की खिड़की पर सारी रात बैठी रही। सारी रात उसकी आंखों से लाल आंसू बहते रहे। उसका फोन उसके सामने होते हुए भी उसने मिहिर के एक भी फोन कॉल का कोई जवाब नहीं दिया और ना ही उसने किसी मैसेज का रिप्लाई दिया। आखिर उसने मिहिर की जिंदगी का सौदा इसी शर्त पे जो किया था। देखते ही देखते सुबह भी हो गई, लेकिन ना मिहिर सोया और ना ही मुग्धा सोई। दोनों एक दूसरे की तड़प, एक दूसरे की प्यास में सारी रात तड़पते रहे। वहीं दोपहर देर बाद रतन मामा को होश आ चुका है और उस वक्त आईसीयू में है। डॉक्टर और एक नर्स मौजूद है और वो रतन को चेकअप कर रहे हैं। आईसीयू के बाहर दरवाजे पर लगी कांच की खिड़की से
मिहिर अपने रतन मामा को चुपचाप देख रहा है। तभी उसके कंधे पर एक वजनदार हाथ आता है। मिहिर पलट कर देखता है तो उसके पीछे इंस्पेक्टर दुर्गा प्रसाद खड़े होते हैं। तभी डॉक्टर आईसीयू से बाहर आए और मिहिर ने उनसे तुरंत पूछा, डॉक्टर साहब मेरे मामा जी की तबीयत अब कैसी है? डॉक्टर ने जवाब दिया, अब वो पहले से काफी बेहतर है। तभी मिहिर ने उनसे पूछा, क्या मैं मामा जी को घर ले जा सकता हूँ? डॉक्टर ने कहा, अभी नहीं, अभी 2 दिन मैं इनको ऑब्जर्वेशन में रखूंगा। तभी दुर्गा प्रसाद ने पूछा, क्या हम उनसे मिल सकते हैं? डॉक्टर ने कहा, हाँ बिल्कुल मिल सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि उनको आराम करने दीजिए। ये सुनकर मिहिर और दुर्गा प्रसाद ने हाँ में अपना सिर हिलाया। मिहिर आईसीयू में दाखिल हुआ और उसके पीछे दुर्गा प्रसाद भी दाखिल हुए। अपने मामा जी के पैरों के पास बैठकर मिहिर पूछने लगा, मामा जी ये सब आपके साथ कैसे हुआ? रतन ने मिहिर की तरफ देखते हुए कहा, बेटा मुझे नहीं पता, सब कुछ अचानक से ही हुआ। ये सुनकर मिहिर एक सोच में डूब गया। तभी दुर्गा प्रसाद ने पूछा, रतन कितने लोग थे, किसी को पहचानते हो उनमें से? रतन ने बोला, नहीं दुर्गा मुझे कुछ भी याद नहीं है। दुर्गा प्रसाद भी सोच में पड़ गए। तभी रतन मामा ने मिहिर से पूछा, बेटा मुग्धा कहाँ है? मिहिर ने कहा, वो अपने घर चली गई थी, देर रात यहाँ रुकती भी कैसे? ये बात सुनकर दुर्गा प्रसाद हैरान रह जाते हैं। मुग्धा तुम लोगों के साथ थी जब ये हुआ? रतन मामा ने कहा, नहीं दुर्गा वो मिहिर को ढूंढने गई थी। दुर्गा प्रसाद मिहिर की तरफ देखते हैं, लेकिन मुग्धा की फिक्र मिहिर की आंखों में साफ नजर आ रही होती है। वहीं देर शाम को उस वक्त रतन आईसीयू में सो रहे हैं। वहीं मिहिर तब तक काफी बार मुग्धा का कॉल ट्राई कर चुका है, लेकिन पिछले एक दिन से मुग्धा ने मिहिर के किसी भी कॉल का कोई जवाब नहीं दिया है। आखिर में मिहिर ने एक फाइनल डिसीजन लिया और एक बार रतन मामा को आईसीयू के दरवाजे के शीशे से देखकर मिहिर हॉस्पिटल से कहीं बाहर जाने के लिए निकल गया। वहीं कुछ देर बाद ओल्ड विला के पीछे सूरज ढल रहा होता है। शाम हो चुकी है और अंधेरा धीरे धीरे उजाले पर कब्जा करता जा रहा है। अंधेरा पूरी तरह से रोशनी को निगल चुका है। उस वक्त जहां ओल्ड विला में पूरी तरह से खामोशी छाई हुई है, तभी बड़े से लोहे के गेट को जोर से धक्का देकर मिहिर कोर्टयार्ड के अंदर दाखिल हुआ, जिससे वहां की मौन खामोशी टूट गई। और इस खामोशी को शोर में तब्दील करते हुए मिहिर और ज्यादा जोर जोर से मुग्धा का नाम लेकर चिल्लाने लगा, मुग्धा मुग्धा। और ओल्ड विला के दरवाजे जोर जोर से खटखटाते हुए घंटियां बजाने लगा। घंटियों का शोर और मिहिर की चीखें पूरे ओल्ड विला में जैसे गूंजने लगी। मुग्धा जो अपने कमरे में उदास बैठी है, उसके कान में मिहिर की पुकार सुनाई देती है। उसके लबों से मिहिर का नाम निकल जाता है। वो जल्दी से उठती है और दरवाजा खोलकर ओल्ड विला के मेन डोर की तरफ भागती है। मिहिर बाहर बेचैनी से दरवाजा खुलने का इंतजार करता है, लेकिन किसी ने मिहिर के चिल्लाने का कोई जवाब नहीं दिया। तभी माया गुस्से से आग बबूला होकर दरवाजा एक झटके से खोलकर वहां मिहिर के सामने आकर खड़ी हो गई। उस वक्त उनकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा है। ये क्या बदतमीजी लगा रखी है तुमने, मिहिर ने कहा। प्लीज मुग्धा को बुलाइए, मुझे उससे बात करनी है। मुग्धा जैसे ही मेन डोर की तरफ बढ़ती है, हॉल में बैठे पृथ्वीराज से उसकी नजर मिलती है। पृथ्वीराज का मुग्धा की आंखों में घूर कर देखना ही सीधा इशारा है कि जिस फुर्ती से वो अपने कमरे से आई है, उसी फुर्ती से वापस लौट जाए। मुग्धा के चेहरे पर पसरी उम्मीद अचानक से मुरझा जाती है। माया ने गुस्से में घूर कर मिहिर से कहा, मुग्धा तुमसे नहीं मिलना चाहती है, चले जाओ यहाँ से। मिहिर ने टॉन्ट करते हुए कहा, ओ मिसेस माया शर्मा, मुझे नहीं पता था कि मुग्धा किससे मिलना चाहती है और किससे नहीं, इसका फैसला अब आप करने लगी हैं। तभी झुंझला कर माया ने बोला, निकलो यहाँ से अभी के अभी और मुग्धा को भूल जाओ। मिहिर ने एक गहरी सांस भरी, आपने मुग्धा के फैसले करने शुरू कर लिए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि अब आप मुझे बताएंगे कि मुझे किसे याद रखना है और किसे भूल जाना है। खैर मुझे आपसे भी कुछ जरूरी बात करनी है। माया घूर कर मिहिर की ओर देखने लगी और उसने कड़वी आवाज में कहा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, जस्ट गेट द हेल आउट ऑफ माय प्रॉपर्टी। मिहिर ने भी बेझिझक माया की आंखों में घूर कर देखा, चला जाऊंगा मैं।
बस मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए। मिहिर ने अपनी जेब से एक अखबार का टुकड़ा निकालकर माया के सामने रख दिया। इसके बारे में क्या कहना है आपका, मिसेस माया शर्मा? माया ने उस अखबार पर छपी तस्वीर पर एक नजर डाली। तभी मिहिर ने कहा, क्या इस तस्वीर में मौजूद ये औरत आप नहीं है? देखिए, जरा गौर से देखिए। उस पुराने अखबार में अपनी तस्वीर देखकर माया के चेहरे का रंग सा उड़ गया, लेकिन उसने अपनी खिसियाहट को छुपाते हुए कहा, इससे साबित क्या करना चाहते हो तुम? तभी माया की ओर मिहिर ने कौंधती नजरों से देखकर पूछा, आखिर आप इस 21 साल पहले की तस्वीर में क्या कर रही हैं? आपका 21 साल पहले हुई इन वारदातों के साथ क्या कनेक्शन है? और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि आपकी उम्र क्यों नहीं बढ़ी? जैसी आप आज दिखती हैं, 21 साल पहले बिल्कुल ऐसी ही दिखती थी। क्या शिमला में हो रही मौतों के लिए आप जिम्मेदार हैं? माया ने घूर कर मिहिर को देखा। मिहिर बेबाक माया की आंखों में घूर कर देखे जा रहा है। तो क्या होगा कहानी में आगे? क्या जवाब देगी माया शर्मा मिहिर के इन सवालों का? क्या माया का राज मिहिर के सामने खुल जाएगा?